एक एक स्वरूप की भी उनकी बड़ी चर्चा होती है, नटराज। जरूरी है, क्योंकि माता पार्वती जी जब शिव को अपना बनाना चाहती हैं और शंकर भगवान को वो अपना बनाने के लिए जब आगे बढ़ती हैं, तो शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए उस नटराज के स्वरूप को ब्रह्मा जी दर्शन कर लेते हैं। और ब्रह्मा जी जब दर्शन करते हैं तो सृष्टि का निर्माण जिस समय होता है, सृष्टि के निर्माण के समय पर ब्रह्माणी का जब प्रागट्य होता है सरस्वती देवी का, तो माता सरस्वती को अभिमान प्रकट हो जाता है। और अभिमान प्रकट हुआ तो वो ब्रह्मा जी को ध्यान नहीं दे पाती, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको किस बात का अभिमान है? तो मेरे ज्ञान का अभिमान है, मेरी स्वर का अभिमान है, मुझे संगीत का अभिमान है। ब्रह्मा जी ने एक भरी सभा में माता सरस्वती जी को बिठाया, जिसमें भगवान शंकर के गण तुमरुका जी भी आए हुए, जिनका घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में वीणा रखी है, करताल रखा है, और वो तुमरुका जी अपनी गायन में लगे हैं। देवऋषि नारद भी उनके आगे चुप हैं, पर ब्रह्माणी की आंख में अश्रु आया, इतना ज्ञान इसको कहां से आ गया जो मेरे सम्मुख में इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है? तब मुस्कुराकर ब्रह्मा जी ने शिव जी की ओर देखा, तो ब्रह्माणी स्वयं शंकर की आराधना करने के लिए जाती है कि मुझे भी स्वर प्रदान करो। श्री सेलम के पर्वत पर बाबा नटराज बनकर ब्रह्माणी को ज्ञान देते हैं। तो शंकर तो नटराज का वो स्वरूप है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, आज भी संगीत को, स्वर को और ज्ञान को देने वाले।